अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। किसी और का कचरा हम अपने घर में क्यों पालेंगे? उसका असली पाप भी होता तो उसे छोड़ के चला जाता। साली को फेंक देते हैं। मैंने ऐसा मिरेकल अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। लगता है आपकी बच्ची को नया जीवन उसी दिन मिलना था जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। मैरी क्रिसमस। थैंक यू। थैंक यू। बाय द वे, आपके से बच्ची का पिता कौन है? जी मैं। कैन वी गो एंड मीट अप प्लीज? क्यों नहीं। थैंक यू। जस्ट बी अ बिट क्वाइट। श्योर। ऑल द बेस्ट। ओके। थैंक यू डॉक्टर। थैंक्स। जिंदगी भर तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा। मैंने तुम्हें हमेशा मुसीबत समझा, लेकिन आज एहसास हुआ कि तुम मुसीबत नहीं, खुदा की बरकत हो। तुम्हें चाहे किसने भी जन्म दिया हो, आज से तुम हमारी बेटी हो, हमारी दुनिया हो, हमारा सब कुछ हो। जब एंजल बड़ी होगी, छोटे कपड़े पहनेगी, मिनी स्कर्ट पहनेगी, तो हम लोग पे क्या गुजरेगी? तुम लोग तो कुछ बोलोगे नहीं, मुझे तो इतना गुस्सा आएगा सीधा एक रपाट मार के दूंगा उसके मुंह पर। What are you talking about? बताना इसको क्या हुआ? अरे आज हमने पार्क में एक लड़की को अपने डैड से झगड़ते हुए देखा। I mean, she was telling him that I am going to wear mini skirts because my boyfriend likes it. Imagine, she had the audacity to say boyfriend likes it. Yeah. I mean, she told her father that dad, I hate you. I mean, उस बेचारी की कोई वैल्यू नहीं रही। मतलब जब एंजल बड़ी होगी, हमारी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। उसका बॉयफ्रेंड हम लोग चूज करेंगे। We will decide. Forget boyfriend, she's not gonna have any boyfriend. उसका हस्बैंड हम चूज करेंगे। और जो भी होगा वो भी घर जमाई बनकर रहेगा। Right. और हम जैसा बिल्कुल नहीं होगा। He won't be like us. Right. Right. एक बात बोलो गाइस। हम लोगों ने जिन जिन लड़कियों का दिल तोड़ा है वो भी किसी न किसी की बेटियां हैं।
Mr. Arush Mehra? Yeah. I'm Mr. Sahni from the New South Wales Child Services Department. हमारे डिपार्टमेंट को पता चला है कि इस घर में एक बेबी है. And there is no woman in the house. Yeah, that's right. इसलिए मैं इंस्पेक्शन करने आया कि आप इस बच्चे की ठीक तरह से देखभाल कर रहे हैं कि नहीं. Well, can I come in, please? सर, आप कुछ लेंगे, दूध या कुछ चाय? बच्ची का नाम क्या है? एंजल. आप कैथलिक है? बच्चे को कौन सा बेबी फूड खिलाते हैं? ये वाला. इसके अंदर आयन बहुत है और बच्चे के लिए आयन अच्छा रहता है अगर वो एलर्जिक ना हो. 5 times a day आफ्टर एवरी 2 hours. जब तुम तीनों काम पे जाते हो तो बच्चे की देखभाल कौन करता है? सर, हमें से कोई एक हमेशा एंजल के साथ रहता है. खास करके आल, ही इज ऑलवेज देयर. समवन इज देयर ऑल द टाइम. ओह या फॉर श्योर. What about vaccinations? Yes, sir. Polio, hepatitis B, hepatitis A, measles, mumps, diphtheria, tetanus, pertussis, chicken pox, influenza, hemophilus influenza type B, rubella, rotavirus, and pneumococcal conjugate vaccine. ये सब हमने बेबी को दिए. Very impressive. जो भी मुझे जानना था मैं जान गया हूँ. I must say you have a very happy child. Thank you. Thank you, sir. May I? If you don't mind. Yeah, sure. Sure, sure. Come, let's go. Baby. Angel. No. What happened, Baba? What happened? Come, baby, Angel. No, Baba. I'm sorry. Okay. Good job. Okay, sir. Thank well you. Done. Thank you. Good job. See you, sir. Bye. Al, मैं सोच रहा था कि शायद एंजल को माँ की जरूरत है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तैयार है? ऑफ कोर्स यार, व्हाई नॉट. मैं तेरे साथ हूं. थैंक्स. तो कब कर रहा है? क्या सेक्स चेंज ऑपरेशन? वेरी फनी, लाइक इट ना? जस्ट सेकंड. नाउ थैंक यू. यू नो, पहले हम बैठते, अब हम डैड हैं. पहले हम जो भी करते थे हॉट डूड की तरह करते थे, अब जब देखो हम लोग दूध को हॉट करते हैं. Come on guys, get ready. You both have a date. Go now. Go. एंजल को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा. Don't worry, she's not going to remember y'all. You know, Arush, I'm really nervous यार. इतने महीने तक हम लोग कभी डेट पर नहीं गए और you know, don't you think we are out of practice? Practice की तो ऐसे बात कर रहा है, you have become a virgin again. Come on guys. You guys are players, man. मैदान में कुछ दिन उतरे नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि खेलना भूल गए. देखना, तो मिनट में तुम दोनों लड़कियों को यू इंप्रेस कर दोगे. Shame, shame, puppy shame. Eddy Teddy is my name. सारे बच्चे मेरे दोस्त. But Dada loves you the most. Ta-da-dum. That's what I sing for my daughter. This one day she pooped in a nappy and none of us really knew what to do. So we were like flinging it around and it went flying towards Arush's face and he was like shit. Yeah, but how did you know? Maybe because I've heard this story 10 times tonight. But isn't it a funny story, though? Al, I'm bored. Can we go somewhere a little bit more private? Sure. लगता है आज रात को हमारी किस्मत चमकने वाली है. हमारी नहीं, इनकी. मैं अरुष को फोन करके बोलता हूँ. Not to wait up for us tonight. Come on, my angel, my bacha. Strange, वो अपना मोबाइल नहीं उठा रहा. वो तो हमेशा अपना फोन उठाता है. करकट ट्राई कर. Okay, all right. Now let's do spongy.
तू फिर से ट्राई कर, कीप ट्राइंग। पता है मुझे फोन बज रहा है, लेकिन जाने दो, कोई बात नहीं, बजने दो फोन को। ओके, वी क्लीन द बमीज नाउ, बमीज बमीज बमीज। कहीं एंजल को तो कुछ नहीं? शिट, सॉरी गर्ल्स, कैन यू जस्ट टेक केयर ऑफ द बिल प्लीज। सो वी गोइंग ऑन नॉट नॉट नॉट। ओके बाय। सी एंजल, बोथ योर डैड्स हैव कम, सी हियर। आरुष मेहरा। या रतन शाह जी, कहिए। ये बेबी आपकी है? ये हाँ या ना? ना ना। हाँ, तो आपने इसे अडॉप्ट किया है? या या। तो आपके पास अडॉप्शन पेपर्स होंगे इसके? कैन आई सी देम प्लीज? जी जी, वो प्रोसेस। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, मैं एक लॉयर हूँ और ये बच्ची मेरे क्लाइंट की है। आप लीगली इसे नहीं रख सकते। ऑफिसर्स, प्लीज टेक द बेबी। जो भी किया है गैर कानूनी किया है। देखिए, अभी आप जेल में नहीं है। बच्चे की माँ को सिर्फ अपनी बच्ची चाहिए। कौन है इसकी माँ? मैं हूँ इसकी माँ। आरुष, आरुष तुझे हम कब से फोन कर रहे हैं, तो फोन उठा क्यों नहीं रहा है? और एंजल कहाँ है? हाँ, एंजल कहाँ है? आरुष, आर यू ओके? गॉड डैम इट, आंसर इज, एंजल कहाँ है? उसकी माँ के उसको ले गई। क्या? उसकी माँ? हाँ, उसकी माँ ईशा, हर नेम इज ईशा। तुम लोगों को याद है, मैं पिछले साल दिल्ली गया था अपने कजन की वेडिंग पे। वहां मैंने उसे पहली बार देखा था और देखते ही रह गया था। तूने नहीं सुधरना। अरे बड़ी शरीफ लड़की है यार, देर से नहीं पटेगी। तू जानता है अरुष केड़ी कुड़ी पटा नहीं सकता? केड़ी जिन्हें वो पटाना नहीं चाहता। वो मेरी गल सुन, ये तेरी भाभी की बहुत अच्छी फ्रेंड है सिडनी से, इसलिए मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तेरे से कभी प्यार नहीं करेगी ये, और वो भी ऐसे बंदे से जिसे सच्चे प्यार और शादी दोनों से एलर्जी हो। अरे प्यार नहीं कर सकता तो क्या हुआ, प्यार का नाटक तो कर सकता हूँ, झूठ मूठ ही कह दूंगा। क्या नाम है इसका? ईशा। ईशा, आई लव यू। दीदी 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 दीदी, दूल्हा और दुल्हन साथ फेरे क्यों लेते हैं? क्या वो वीक के हर दिन के लिए एक फेरा लेते हैं? निशी जी, इस प्रश्न का मैं जवाब दूं, इफ यू डोंट माइंड। श्योर, ऑफ कोर्स। देखो बेटे, मैं बताता हूँ, वो सिर्फ 7 महीने या 7 सालों के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए फेरे लेते हैं। एक दिन तुम भी फेरे लोगी, तुम्हारी भी शादी होगी, ठीक है? जाओ भी, जाओ खेलो जाके, बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं। आरुष, व्हाट अ सरप्राइज। भाभी जी, अरे ये क्या कर रहे हो? भाभी भी भगवान का रूप होती है। मीट माय फ्रेंड्स देविका। नमस्ते जी।
ईशा नमस्ते. हाय, थैंक्स सो मच फॉर द हेल्प. एनी टाइम. वैसे आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? अरे आप हमारी भाभी की सहेली हैं, आपका तो हक बनता, पूछिए. आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि समवन लाइक यू बिलीव्स इन सात जन्म एंड ऑल? वैसे आपको देख के भी ऐसा नहीं लगता है कि आप धोखा खा सकती हैं? एक्सक्यूज मी, डोंट गो ऑन माय लुक्स. आई एम फ्रॉम सिडनी, मगर मेरे विचार, मेरे संस्कार सारे हिंदुस्तानी. देश से दूर रहता हूँ लेकिन देश को अपने दिल के करीब रखता हूँ. What a coincidence, मैं भी सिडनी से हूँ. कहाँ से? न्यू टाउन से. मैं ओल्ड टाउन से. Really? कितनी अजीब बात है ना, दो इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए कभी नहीं मिले और यहाँ मिल रहे हैं आज. ईशा जी, ये अजीब बात नहीं, ये दुख की बात है कि पराये देश में अपने भी दूरियों पे रहते हैं लेकिन अपने देश की बात ही कुछ और है. पराओं को भी अपना कर देती है. Well, it was nice meeting you all. Same here. भाभी जी, पोपट जी कहाँ? ये रहे, इस तरफ. कहाँ कहाँ? अरे हाँ, पोपट जी, हाँ मैं छुआरे ले आया हूँ. Impressive. I agree. लड्डू नहीं, ये लड्डू दे. अंकल ये मेरा लड्डू है. अबे लड्डू खा खा के लड्डू हो जाएगा एक दिन, क्या खुद को खाएगा? चल. हाय. हाय. हे, यू गॉट समथिंग? वन सेकंड. नाइस लिपस्टिक. थैंक्स. दोनों हाथों से ईशा जी, प्लीज. थैंक यू. भाभी जी, आपके लिए. आरुष जी, तुमने खाना तो खाया है ना? जी, आज मेरा राज संतोषी का व्रत है. व्हाट? माँ संतोषी का व्रत. क्यों, क्या हुआ? आप लोग चौंक क्यों गए? क्या सुना आपने?